बेहद अजीज दोस्त और शहर के सीनियर टैक्स एडवोकेट जो बहुत ही पारिवारिक परंपरा से भी हमेशा से शहर को अपना योगदान देते रहे हैं, वो हमारे बीच तशरीफ लाए हैं। मैं मेरी मुराद है भाई शिशिर वत्स से कि वो आए और होली के इस खूबसूरत मौके पर अपनी एक दिलकश पेशकश से, अपनी एक खूबसूरत पेशकश से हम सबको नवाजें। आज हमारे छोटे से दावतनामे पर जो पूरे सहारनपुर की एक यहाँ पे टीम है, एक जाने माने पहचाने शख्सियत, हम लोग शख्सियत कहेंगे पर्सनैलिटीज हैं, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे छोटे से इनविटेशन पर, क्योंकि कल शाम ही मेरे माइंड में आया हमारे भाई बड़े भाई नवाजी खान साहब ने एक प्रोग्राम कराया था अम्बेडा पीर में, तो उससे मैं इंस्पायर हुआ, मैंने सोचा और वहां पर मुझे एक चीज सीखने को मिली, होली मौसमी त्योहार है ना कि उसको किसी रिलीजन के एंगल से देखा जाए, तो बड़ा अच्छा लगा। सच है वसंत ऋतु में कितना अच्छा त्योहार जो रंगों का त्योहार है, हम सब भारतीयों को मिल करके आपस में मिलजुल करके मनाना चाहिए, और उसकी ही मेरी माइंड चूंकि तब तक सेटिस्फाइड नहीं हुआ, मैंने सोचा कि इसको मैं अंजाम दूंगा और कल ही दूंगा, हालांकि रात हो चुकी थी पर मैंने छोटे छोटे से जो फोन अपने किए और उस पर आप सब इतने बड़ी बड़ी शख्सियात यहाँ पर आ गई है, हम उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और आपको मैं इन दो बातों और इन दो लाइनों के साथ में अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ कि आप लोग आए हैं, एक मोहब्बत का पैगाम, एक अमन का पैगाम इस देश को देने का काम किया है, और उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं कि गुलों में रंग भरे बादलों बाहर चले, इतनी मोहब्बत का ये पर्व, हम लोग इतनी खुशी से अलग अलग जाति अलग अलग धर्म से हम लोग यहाँ पर आए हैं, अलग अलग सेक्टर से लोग आए हैं, तो गुलों में रंग भरे बादलों बाहर चले और चलो वो चले भी आओ कि होली के इस पावन पर्व पर मोहब्बत का कारोबार चले। बड़ी बड़ी खुशी हो रही है कि आपके साथ मैं कुछ शेयर कर सकूं, और खासतौर से जैसा कि आपको मालूम है कि आज होली का पर्व है, मैंने होली कई देशों में मनाई है, और 3 साल पहले जब मैं ऑस्ट्रेलिया में रह रहा था तो किसी गोरे ने मुझे पूछा व्हाट डू मीन बाय होली, तो मैंने कहा आई थिंक यू नो बेटर अबाउट होली, तो कहा कैसे, होली इज अ वर्ड यू गिवन अस, होली इज प्योर एंड हाउ टू मेक अस प्योर, हाउ टू एक्सट्रैक्ट इट देयर इज, इफ देयर इज एनी एविडेंस इनसाइड अस हाउ टू एक्सट्रैक्ट इट। ओ मैं बूढ़ा हूं कि आज होली है, हमारे देश के साथ मैं इनका बड़ा शहदाई हूं, इंजीनियर के साथ साथ इतने अच्छे कवि कविता सुनाने वाले, और ये अंदाज मैंने नहीं से कि गुलाल खूब उड़ाओ के आज होली है, कली का रंग जब खेल नहीं पाता, उसकी गंध जब बांधे नहीं बनती, और उसका मकरंद जब छलका छलका पड़ता है तो वह फूल बन जाती है, पूर्व दिशा से उषा सुंदरी जब अपना घूंघट उठाकर झांकती है तो पक्षियों का आनंद कलरों के रूप में प्रस्फुटित होता है, ऊंचे ऊंचे पर्वतों से नदियां बह निकलती हैं, देखते ही देखते बीज धरती के वक्ष स्तंभ को फोड़कर फसलों के रूप में प्रस्फुटित होता है। आज होली का दिन है और शायरी मैंने कभी की नहीं, और सुनकर बड़ा लुत्फ आ रहा है, वैसे देखा जाए तो ये त्योहार शेर व शायरी गाना हुल्लड़ खेल और दिलों को मिलाने आ रहा है, मेरी तरफ से सब लोगों को होली की बहुत 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 शुक्रिया। जय सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा पेशा अलग है, मेरी मर्दी अलग है, अगर 100 के बीच में जाऊंगा तो आलोक दिखा दूंगा, ये गाने वाले वाली बात तो मेरे साथ संभव ही नहीं है, डरने वाली लेकिन जब यहाँ पे मुझे भूल गया तो किसी की छुराई हुई दो लाइन पेश करूंगा, एक मासूम का जुड़ के चले जाते हैं।
तो एक मासूम का रोड के चले जाती है अपने आसिक से, आसिक कतई परेशान है, तो कहता है कि रंजिश ही सही दिल को दुखाने के लिए आ, तो चाहूंगा शेर कि रंजिश ही सही दिल को दुखाने के लिए आ, आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, कौन दीजिएगा शेर में जिस तरह तुम मुझे छोड़ के गई है फिर से छोड़ के जाना कि रंजिश ही सही दिल को दुखाने के लिए आ, आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, कुछ तू भी तो पिंदौरे मोहब्बत का फूल रख, तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए आ। दोस्तों इतनी हसीन और खुशनुमा महफिल और उसमें इतने तालीमदार लोग बैठे हुए हैं कि कभी कभी मुझे सरकने में भी दिक्कत सी हो रही थी कि मैं आप लोगों के पीछे बैठा हुआ हूँ, ये मेरी खुशकिस्मती है। मैं ये है आज करना चाहता हूँ कि हजरत हाजिर के बहुत अच्छा मौका है और मैं तमाम लोकल यूनिवर्सिटी के सभी मेंबरों को अपनी तरफ से होली की मुबारकबाद देता हूँ। सिटी वेव परिक्रमा ग्रुप जो यहाँ पर आए हुए हैं उन सबको भी अपने दिल से होली की मुबारकबाद देता हूँ। तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है। डॉक्टर हर्ष बीसी लोकल यूनिवर्सिटी आपके हाथों से आज हम ये सम्मान की रस्म करना चाहेंगे। डॉक्टर कुत्सिया अंजुम जी और सुगुही जी आपके पे मंच पर तशरीफ जाए और स्वागत के क्षणों में आप कतल ध्वनि से जरूर हमारा स्वागत दें, क्योंकि आपने अपने बहुत अनमोल वक्त में दिया है होली की इस व्यस्तता के बीच तमाम मसरूफियात के बीच आपको खिंचाई, आपका बहुत बहुत स्वागत और उत्कृष्ट कार्य सम्मान से आपको नवाजते हुए ये पूरी आयोजन समिति ये पूरी महफिल आज गौरवान्वित हो रही है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत, थैंक यू सो मच मैम। और इसी क्रम में मैं चाहूंगा सुगुही जी भी जो ब्राउन रोड स्कूल की डायरेक्टर हैं वो भी हमारे बीच हैं। सुगुही इफ्तिखार जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत और सम्मान, न्यूज परिक्रमा लोकल यूनिवर्सिटी और सिटी वैप टीम की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बात एक मौका आया है कि मैं ऐसे मौके के ऊपर मौजूद हूँ, वरना तो एक अजीब सा आजकल का जो माहौल हुआ है, तनाव भरा माहौल है, उसमें ऐसे माहौल की ऐसे जो ये आपने प्रोग्राम किया इसकी बहुत सारी जरूरत है। हमारा ताल्लुक तालीम से है और कभी कभी तो वाकई बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम बच्चों को किस तरह से इस माहौल से अलग हटकर कुछ बातें बताएं, क्योंकि हमने जो माहौल देखा है अपने बचपन में अपने लड़कपन में बहुत मुख्तलिफ माहौल था। मेरी परवरिश बहुत ही मुख्तलिफ माहौल में हुई है, मेरा ताल्लुक दिल्ली से है और यहाँ जो इस वक्त माहौल है तकरीबन पूरे मुल्क का माहौल है, उस माहौल में बहुत ज़रूरत है कि इस तरह के प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजेशन हो और ऐसे प्रोग्राम मुनाकिद किए जाएँ ताकि लोग आपस में मिलें एक दूसरे। जब तक हमारा इंटरेक्शन नहीं होगा हम एक दूसरे के जज्बात को समझ नहीं सकते। वो क्या गया है कि इस वक्त बहुत दूरियाँ पैदा हो गई हैं, हम लोग इतना एक दूसरे से दूर हो गए कि हम एक दूसरे से बात करते हुए डरने लगे कि पता नहीं हमारी कौन सी बात किसको बुरी लग जाए। बदन पे सितारे लपेटे हुए ओ जाने तो किधर जा रही हो, तेरा पास आओ तो चैन आ जाए, तेरा पास आओ तो चैन आ जाए।
और जैसा मैंने अर्ज किया कि विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियां विभूतियां हमारे बीच मौजूद हैं, तो एक ऐसा क्षेत्र जिसका 24/7 योगदान रहता है समाज को सुरक्षा देने में, समाज को महफूज रखने में, पुलिस महकमे से आप रिप्रेजेंट करते हैं सब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार दिनकर साहब हमारे बीच मौजूद हैं, जिन्होंने अपने टीम से नवाजा, आप आए सर और प्लीज ये उत्कृष्ट कार्य सम्मान न्यूज परिक्रमा सिटी वेब और ग्लोबल यूनिवर्सिटी की ओर से ग्रहण करें। आपका बहुत बहुत स्वागत और सम्मान, थैंक यू सो मच। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, पूरी महफिल को बल्कि मैं कहूंगा समाज को अपने सुरों से अपने संगीत से नवाजने वाले और हम सबके बहुत ही अजीज साथियों में शुमार मेरे बड़े भाई संजीव शिखर साहब से गुजारिश है, दरख्वास्त है कि कृपया आप आए मंच पर और हमारे माध्यम से ये उत्कृष्ट कार्य सम्मान कृपया ग्रहण करें। संजीव और हर्ष साहब हमारे गुरु जावेद खान सरोवा, जनाब जावेद खान सरोवा साहब को ये उत्कृष्ट कार्य सम्मान से नवाजे हैं। प्लीज चलिए भाई आप हर्ष साहब और तीनों के माध्यम से आप प्लीज अंदर आ जाए। संजीव भाई थैंक यू सो मच। और मेहमान खुसूसी डॉक्टर हर्ष सुप्रिंटेंडेंट साहब, दिनकर जी और अजीज मेहमान, होली के बारे में हमारे शहजाद भाई ने कहा था यहाँ पे कि इन्होंने अभी किसी प्रोग्राम में सुना कि होली एक मौसमी त्यौहार है। हकीकत यह है कि हमारे हिंदुस्तान की जो आलमी पहचान है, जो इंटरनेशनली हम एक्लेम करते हैं इंडिया को, वो कहा जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। शुरुआत से ही हमारे बीच मौजूद है अपनी तमाम विस्ताओं के बीच मेरी मुराद है क्रिकेट दीक्षित साहब से जो डिप्टी जनरल है, आपका क्या और समाज सेवी आसिफ अली जी मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया आप ही इस क्रम में आए मंच पर आए और आपको भी अंग वस्त्र भेंट करके हम सम्मानित करना चाहेंगे। समाज सेवी आसिफ अली साहब और संजय राणा मंच पर उपस्थित सभी यहाँ पे सज्जन और हमारे वाइस चांसलर साहब और यहाँ पर मौजूद विभिन्न क्षेत्रों से आए हमारे टीचर्स, आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं और तहे दिल से मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप सब आए और मुझे भी इस होली के हुनर जैसे शुभ मौके पर आमंत्रित किया और मुझे भी कुछ शब्द बोलने का मौका दिया। मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और शुक्रगुजार हूं कि आप सब हम सब मिलकर इस ऐसे माहौल में जहां पर भांति भांति के हर राज रीति रिवाज संस्कृति हर प्रकार के लोग मिलते हैं उसके, ये ऐसा पर्व है जिसने हम सबको एक साथ लाकर जमा किया और हम सबको एक साथ इस रंगों के त्योहार में मिलकर अपनी खुशियों के बांटने का शुभ अवसर दिया है। और वृंदावन का रंग आज यहाँ लगना चाहिए, लगना चाहिए कि हम सहारनपुर में बैठे बैठे भी मथुरा और वृंदावन की मस्ती में जुड़ हो सकते हैं। हम खूबसूरती